अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताज मोहम्मद। आपको वेलकम करता हूं अपने चैनल डिस्कवर विद ताज में। जी दोस्तों, लास्ट वीडियो मैंने जो है दराज सेकंड एपिवर्सरी के हवाले से अपलोड की थी और जो है उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएगी। जो भी न्यूज़ सेलर्स हैं, मैं खास कर उनके लिए जो है वीडियोस अपलोड करता हूँ, वीडियोस ट्यूटोरियल वीडियो बनाता हूँ दराज पे, क्योंकि मैं खुद भी दराज सेलर हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि जो जो लोग दराज पे सेलर नहीं हैं, तो ऑब्वियसली बेरोज़गारी तो बहुत है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, तो घर बैठे भी जो है ख़वातीन भी कर सकती हैं, ये घर बैठे शॉप अपना ऑनलाइन क्रिएट करके जो है घर बैठे बिज़नेस कर सकते हैं, या जो स्टूडेंट्स हैं वो भी घर बैठे अपना स्टार्ट कर सकते हैं, जो भी बेरोज़गार हैं वो घर बैठ के अपना दराज पे बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं जस्ट उनकी हेल्प के लिए ये वीडियोज़ बनाता हूँ, क्योंकि मैं मेरा खुद भी जो है एक साल से ज़्यादा, डेढ़ साल होने वाला है, तो मेरा खुद का भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है दराज पे एज अ सेलर। मेरा अपना स्टोर है दराज पे, तो उस हिसाब से मैं जो है वीडियोस बनाता हूँ, ताकि जो पुराने सेलर हैं अगर उनको भी हेल्प मिल जाती है तो अच्छी बात है, लेकिन जो न्यू अभी सेलर्स जिन्होंने अभी स्टार्ट किया, जिनको ऑब्वियसली स्टार्ट में कोई नॉलेज नहीं होती, तो सभी यही करते हैं कि यूट्यूब पे वीडियो सर्च करते हैं या एक दूसरे से मालूम ले रहे होते हैं, तो उनकी हेल्प के लिए मैं ये वीडियोज़ बनाता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि जो है उनकी हेल्प होगी। अगर कोई भी किसी को प्रॉब्लम हो, आपको कोई भी सवाल है, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर कोई टॉपिक है जो आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक पे आपको वीडियो उस टॉपिक पे मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। जी दोस्तों, ये आज की जो वीडियो है ये सेकेंड एपिवर्सरी के हवाले से ही है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि सेकेंड एपिवर्सरी में जो है बंडल डील्स की कैंपेन भी है, यानी कि आप बंडल्स भी ऐड कर सकते हैं। तो इस वीडियो के हवाले से मज़ीद तफसीलात अभी हम चेक करेंगे, तो कनेक्ट रहिएगा प्लीज़। जी दोस्तों, सेकंड एपिवर्सरी का जो एक वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, उसके बाद दूसरा वीडियो जो सेकंड एपिवर्सरी में जो कैंपेन्स प्रोवाइड की गई हैं दराज की तरफ से हम सेलर्स के लिए, तो उनमें एक शिपिंग, फ्री शिपिंग की भी कैंपेन है, जिसमें आप जो है फ्री होम डिलीवरी प्रोवाइड करते हो पूरे पाकिस्तान में से जो ऑर्डर आते हैं उनकी जो है फ्री शिपिंग आप प्रोवाइड करते हो। उस कैंपेन में भी आप पार्टिसिपेट करके बहुत अच्छे से अपनी सेल को बूस्ट कर सकते हो। तो वो लास्ट वीडियो मैंने अपलोड की है फ्री शिपिंग के हवाले से, वो जाके आप चेक कर सकते हैं, उसमें सारी डिटेल्स मौजूद हैं कि फ्री शिपिंग क्या होता है, कैसे होता है। तो आज की जो वीडियो है ये बंडल्स के हवाले से है, बंडल डील्स जो जिसमें चार तरह के बंडल्स होते हैं, लेकिन ये बंडल्स हमने पहले जो है अपने सेलर सेंटर में जाके खुद क्रिएट करने होते हैं, उनको एडिट करके खुद क्रिएट करना होता है। कैंपेन में हम बाद में उनको जो है ज्वाइन करने के लिए जब उनको ऐड करते हैं वो बाद में करते हैं, लेकिन पहले हमें ये खुद क्रिएट करना होता है। सपोज़ मैं जो है एक बॉक्सर फ्री गिफ्ट देना चाहता हूँ, तो उनके लिए उसके लिए पहले मुझे जाके एडिट करना होगा। एक पोलो शर्ट है उस पर मैं जो है फ्री बॉक्सर दे रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे जाके पहले उनकी एडिट करके उनको सेट करना होगा, वो 24 आवर्स में अप्रूव हो जाते हैं, उसके बाद जब कैंपेन आती है तो उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। चार तरह के बंडल्स होते हैं, वो अभी हम मज़ीद डिटेल्स चेक करेंगे, तो उसमें सारा स्क्रीन पे मेंशन किया हुआ है, तो वो मैं आपको दिखाते हुए आपको जो है समझाऊँगा, ठीक है जी। तो कनेक्ट रहेगा, हम जो है अपने सेलर सेंटर के होम पेज पे चलते हैं, कैंपेन्स की कैटेगरी में जाके हम चेक करेंगे और आपको मैं सारी तफसीलात वहाँ पे मेंशन कर दूँगा। हमारे साथ रहिएगा प्लीज़, कनेक्ट रहिएगा। जी दोस्तों, हम एक्सक्लूसिव बंडल्स यानी जो सेकंड एपिवर्सरी में हम सेलर्स को जो बंडल डील्स प्रोवाइड की जा रही हैं उस कैंपेन में मैं आ चुका हूं। तो अब इस कैंपेन में मज़ीद हम जो क्राइटेरिया चेक करेंगे कि चार तरह के जो बंडल्स होते हैं वो मैं आपको एक एक जो है डिटेल वाइज समझाऊँगा कि किस तरह से होते हैं ये बंडल्स, क्या होते हैं। जी दोस्तों, हमारी एपिवर्सरी 2020 की बंडल्स कैंपेन में हिस्सा लें और बेहतरीन बंडल्स बना के अपनी सेल्स में इजाफा करें। टाइप्स ऑफ बंडल्स, जी हाँ दोस्तों, ये बंडल लीव्स है, यहाँ पे जो है दराज ने खुद टाइप्स भी बता दिए हैं कि चार किस्म के बंडल्स होते हैं, तो मैं आपको मज़ीद तफसीलात समझा देता हूँ। टाइप नंबर वन है क्वांटिटी बंडल्स। क्वांटिटी बंडल्स क्या होते हैं? एक से ज़्यादा आइटम खरीदने पे डिस्काउंट, एग्जांपल बाय 10 पैक्स ऑफ डायपर विद 10% डिस्काउंट। तो मैं इसको आपको अपने तरीके से, अपने एक्सपीरियंस से समझा देता हूँ कि क्वांटिटी बंडल्स वो होते हैं, जस्ट लाइक मैं एक अपने स्टोर पर पोलो शर्ट जो है टी शर्ट वो सेल कर रहा हूँ, तो इस पर मैं क्वांटिटी बंडल इस तरह से बनाऊंगा कि वहाँ पे मैं ये इस तरह से मेंशन करूँगा कि आप दो शर्ट्स लेंगे तो आपको जो है 2% या 3% डिस्काउंट मिलेगा इस तरह से। अगर 3 शर्ट्स आप परचेस करेंगे तो उस पर मैं आपको 5% डिस्काउंट दूंगा। अगर आप 4 शर्ट्स मेरे से जो है परचेस कर रहे हो तो मैं उस पर आपको 10% डिस्काउंट दूंगा। तो इस तरह से क्वांटिटी बंडल होते हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट एक ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि शर्ट और उसके साथ ट्राउज़र या कुछ और, इस तरह से नहीं, वो एक ही प्रोडक्ट होगा, या शर्ट है या ट्राउज़र है जो भी है, लेकिन आपने वो एक ही प्रोडक्ट
के अलग अलग पीसेस बाय करने होंगे जिस पे आपको डिस्काउंट मिलेगा। ये है क्वांटिटी, यानी कि क्वांटिटी ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। सिंपल नंबर टू बंडल जो है बाय वन गेट वन फ्री, ऑब्वियसली ये तो सिंपल सी बात है, एक आइटम खरीदने पे एक और मुफ्त, बाय टू शॉवर जेल्स पे फॉर वन। सिंपली ये है कि आप जो है कोई एक चीज़ परचेस करें जिस पे आपको एक चीज़ सेम चीज़ जो है फ्री मिले। जस्ट लाइक नीचे ऑप्शन भी इन्होंने दिया है कि बाय टू शॉवर जेल्स, यानी आप शॉवर जेल परचेस कर रहे हो टू पे फॉर वन, लेकिन पैसे जो आप दे रहे हो वो एक के दे रहे हो, ठीक है जी। जिस तरह लक्स साबुन है, पैक ऑफ टू आपको फोल्ड किया हुआ आपने मार्केट से ख़रीदा है लेकिन आपने पैसे एक साबुन के दिए हैं, उस तरह से होता है। बाय वन गेट वन फ्री बहुत मुश्किल है, तो ये मैं ख़ुद भी इसमें जो है कभी अप्लाई नहीं करता, तो ऑब्वियसली इतना बजट नहीं होता कि एक शर्ट के साथ एक फ्री दे दूँ मैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो उसके बाद ये नंबर थ्री बंडल जो है वो है कॉम्बो। कॉम्बो बंडल्स में क्या होता है, एक आइटम के साथ एक और आइटम ऐड करने पर डिस्काउंट। एग्जांपल बाय अ फ़ोन अ केस एंड अ यूएसबी केबल विद डिस्काउंट, यानी तीन तरह की चीज़ें आपने डिफरेंट मिला के एक बंडल बना दिया कि भैया आप ये तीनों अगर एक साथ ले रहे हो तो उस पर आपको जो है इतना मैं डिस्काउंट दूंगा। तो इस तरह से होता है, जैसे मैं एक पोलो शर्ट सेल कर रहा हूँ उसके नीचे मैं कॉम्बो बंडल में इस तरह से करूँगा कि उसके नीचे शो कर दूँगा कि ये ट्राउज़र भी इसके साथ अगर आप परचेस कर रहे हो, और उसके साथ एक बॉक्सर भी लगा दूंगा कि ये बॉक्सर भी आपने परचेस करना है। अगर ये तीनों चीज़ें आप परचेस कर रहे हो तो मैं आपको तीनों पे जो है 5-5% डिस्काउंट दूंगा। तो ये हो जाते हैं कॉम्बो बंडल्स, लेकिन तीनों डिफरेंट प्रोडक्ट्स होने चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद है फ्री गिफ्ट, जो मेरा फेवरेट है, फोर्थ बंडल है फ्री गिफ्ट। इसमें यह है कि एक आइटम खरीदने पर एक और आइटम आपको फ्री मिलेगा, ऑब्वियसली कोई भी दूसरा आइटम, ऐसा नहीं कि सेम, उसके मतलब एक गिफ्ट मिल जाएगा आपको। बाय अ फोन एंड गेट अ केस फॉर फ्री, सिंपली ये जो है फ्री गिफ्ट का बंडल, ये मैं अपने स्टोर पे भी जो है लगाता हूँ, मेरे स्टोर पे मौजूद है। जस्ट लाइक मैं ट्राउज़र्स जो जेंट्स के सेल करता हूँ उनके साथ में मैन केयर वाइट बॉक्सर फ्री गिफ्ट मैंने लगाया हुआ है बंडल, तो जो है ट्राउज़र के साथ मैं बॉक्सर फ्री गिफ्ट कर रहा होता हूँ, तो इससे क्या होता है सेल बढ़ती है हमारी। कस्टमर जो आ रहे होते हैं परचेज़ करने के लिए वो ये देखते हैं कि इसके साथ बॉक्सर भी फ्री मिल रहा है, और ऑब्वियसली उसी प्राइस में हर जगह पे मिल रहे होते हैं, तो हमें जो है अपने बजट के हिसाब से ये बनाने होते हैं कि उसमें जो प्रॉफिट हमारा प्रॉफिट मार्जिन जो बन रहा है बॉक्सर की प्राइस भी उसी में से निकल आए। तो ये तब होता है जब हम जो प्रोडक्ट्स हैं होलसेल मार्केट से परचेस करते हैं, यानी हम अच्छी क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स परचेस करके सेल करेंगे तभी हम इस तरह के बंडल्स भी बना सकते हैं। अगर आप रेगुलर एक दो पीस जाके परचेस करने वाले हो तो फिर आप इस तरह के बंडल में अप्लाई नहीं कर पाएंगे, करेंगे तो आपको लॉस होगा ऑब्वियसली। तो मैं तो यही करता हूँ कि होलसेल मार्केट से अच्छी क्वांटिटी में परचेज़ कर लेता हूँ पहले प्रोडक्ट, फिर जो है अपना स्टोर यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ। तो उसी तरीके से मैंने एक और भी बंडल बनाया हुआ है फ्री गिफ्ट का, जिसमें मैं जो है वाइट बनियान, वाइट जो वेस्ट होती है स्लीवलेस, वो फ्री गिफ्ट करता हूँ। वो मैं पोलो शर्ट्स के साथ भी करता हूँ, या कुर्ता कलेक्शन भी होते हैं मेरे पास, तो उनके साथ भी एक बनियान फ्री, तो इस तरह से मैं बंडल बनाता हूँ। और बंडल्स पे बहुत अच्छे ऑर्डर्स आते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सेल अच्छी हो, ऑर्डर नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा आपके पास ऑर्डर, इसीलिए नहीं आ रहा क्योंकि आप जो है कैंपेन्स में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो। ये कैंपेन्स दराज इसीलिए प्रोवाइड करता है ताकि जो है हमारी सेल बूस्ट हो और हम अच्छी तरह से ग्रो कर सकें, हमारे स्टोर जो है अच्छी तरह से ग्रो कर सके और ऑर्डर्स आ सकें, हमें फ़ायदा हो सके। अगर हम कैंपेन्स में अप्लाई ही नहीं करेंगे तो हमारे पास ऑर्डर ही नहीं आएंगे, तो हमारा स्टोर जो है वो डाउन होता जाएगा। चले जी आगे चेक करते हैं रूल्स ऑफ सबमिशन। सबमिट प्रोडक्ट जो हम सबमिट करेंगे उनके रूल्स क्या हैं। मिनिमम 3% डिस्काउंट ऑन करंट सेलिंग प्राइस। आपने जो करंट सेलिंग प्राइस, यानी कि आपका जो एक प्रोडक्ट है, एक टी शर्ट है, लास्ट आपकी जो सेल की है आपने जिस प्राइस में, क्योंकि हम कभी कभार प्राइस कम ज़्यादा भी कर रहे होते हैं, तो वो जो प्राइस आपने जिसमें सेल की है उस प्राइस पर आपको जो है 3% पे डिस्काउंट देना पड़ेगा। उस प्राइस पे 3% डिस्काउंट के साथ आपको ऐड करना पड़ेगा प्रोडक्ट। ऑल प्रोडक्ट सबमिटेड मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ बंडल्स एंड लाइव ड्यूरिंग कैंपेन टाइम। यानी जो भी प्रोडक्ट ऐड करोगे वो बंडल्स की सूरत में होने चाहिए अवेलेबल, और जो है कैंपेन के टाइम पे वो लाइव होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कैंपेन में आपने अप्लाई तो कर लिया उसके बाद जाके आपने उनको ऑफ कर दिया, बंडल्स को जीरो क्वांटिटी कर दिया, तो ये उन्होंने बता दिया कि इस तरह नहीं होना चाहिए, वो बंडल्स लाइव भी होने चाहिए। मिनिमम स्टॉक 10, यानी जो आप जो भी प्रोडक्ट ऐड कर रहे हो सबकी जो क्वांटिटी है वो 10 होनी चाहिए लाजमी, उससे कम नहीं होनी चाहिए। और नीचे नोट दिया गया है कि बंडल बना के 24 आवर्स वेट कीजिए और फिर इस कैंपेन में अपने बंडल ऐड कीजिए। जो मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बता दिया था कि हम पहले बंडल खुद एडिट करके उनको बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, एक और ऑप्शन है, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि बंडल कैसे क्रिएट किए जाते हैं, हाउ टू क्रिएट बंडल्स बंडल कैंपेन में। कैंपेन में तो हम बाद में ऐड करते हैं, अप्लाई करते हैं और ज्वाइन करते हैं, लेकिन पहले हमें बंडल्स क्रिएट करने होते हैं।
तो यहाँ पे भी इन्होंने बताया कि आप बंडल क्रिएट कर लें, उसके बाद 24 आवर्स वेट कीजिए, और 24 आवर्स के बाद जो है वो बंडल्स आपके कैंपेन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और कैंपेन में शो होना स्टार्ट हो जाते हैं। हाउ टू क्रिएट बंडल्स, उसका तरीका नीचे सिंपली उन्होंने बताया है कि आप सेलर सेंटर में क्लिक करें और प्रमोशंस पे जाएं और फिर सेलर बंडल्स पे जाएं, तो उस तरह से आपको समझ नहीं आएगा। मैं इसके लिए नेक्स्ट एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं प्रॉपर आपको बंडल्स बना के दिखाऊंगा कि किस तरह से मैं, अच्छा जो आप फ्री गिफ्ट दे रहे हो वो भी प्रोडक्ट आपका लाइव होना चाहिए, ऐड किया हुआ हो आपने स्टोर पे और वो भी प्रोडक्ट उसी प्रोडक्ट की तरह जो आप सेल कर रहे हो उसी की तरह लाइव होना चाहिए स्टोर पे। जी दोस्तों, ये कैंपेन 8 दिन की है, ये कैंपेन का पीरियड जो है पूरे 8 दिन का है, 6 सितंबर से 13 सितंबर तक ये कैंपेन चलेगी। सेकंड एपिवर्सरी की ये बंडल डील्स की कैंपेन है, इसमें ज़रूर अप्लाई करें। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख है 5 सितंबर। जी हाँ दोस्तों, 5 सितंबर को रजिस्ट्रेशन एंड हो जाएगी, उसके बाद आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो जल्दी से अप्लाई कीजिए। और आप देख सकते हैं कि जो है काउंटडाउन बहुत तेज़ी से जा रहा है, तो अभी से मैंने पॉज किया हुआ है, तो काउंटडाउन बहुत तेज़ी से जा रहा है और हम जल्दी से इसमें ज्वाइन करके आप जो है अपनी सेल्स को बूस्ट कर सकते हैं। जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और जो न्यू सेलर्स हैं, आपके जानने वाले हैं, तो उनसे ये वीडियोस शेयर कीजिए। और जो भी आपकी क्यूरीज हैं, जो भी अगर आपके कोई सवाल हैं, कोई आप चीज़ समझ नहीं आ रही, तो आप उसे कमेंट करके मालूम कर सकते हैं, और मैं उस जो टॉपिक आपको अगर समझ नहीं आ रहा तो उस पर मैं एक वीडियो भी बना दूंगा। ठीक है जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।